खबर बिहार के किशनगंज से, जहां किशनगंज विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों की दावेदारी तेज हो गई है। तो वहीं जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने भी कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की है। आपको बताते चले कि किशनगंज विधानसभा के विधायक मोहम्मद जावेद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। ऐसा कि मैं लोगों का आज 15 साल से प्रतिनिधि हूँ, दो बार मुखिया रह चुके हैं और जो मेरे अगेंस्ट में होता था सबका जमानत जब्त हो जाता था। फिर जब मेरा पंचायत रिजर्व हुआ तो मैं उन्हें फिर जिला परिषद इलेक्शन 14 नंबर क्षेत्र से जीता और जिस जीत मेरा पूरे रिकॉर्ड किशनगंज जिला में मुझसे ज़्यादा कोई वोट नहीं लेके आया। इसीलिए मेरा उम्मीद है और लोगों का मेरे प्रति आस्था है कि बार बार मुझे भारी मतों से जिताता है। इसी आशा के साथ और मैं कर्मठ 1990 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, अभी जिला महासचिव हूं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमके हमारे कार्य को देखते हुए हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं कांग्रेस के आला कमान, उन लोगों मुझे उम्मीद है कि मुझे ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस खेमे में माना जा रहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के समय से भी वर्कर है, पुराने आपसे भी पुराने वर्कर, उन लोगों की भी दावा है टिकट हमें मिले। हाँ, वर्कर हो सकता है लेकिन यहाँ सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से उसको देखा जाता है। इस कौन अभी कैसा काम कर रहा है, मुझे उसी काम के बिना पर मुझे हक भी बनता है और मेरा उम्मीद है कि काम मेरे काम से संतुष्ट होकर कांग्रेस जिला हाईकमान या कांग्रेस हाईकमान हमारे एमपी साहब हमें ही टिकट देने का ज़्यादा ही आशा रखेंगे। जिला कमेटी के ओर से अगर रिजोल्यूशन लिया जाए प्रत्याशियों की, तो उसमें आपके नंबर कितने नंबर पर आपका नाम आए? एक नंबर पर आएंगे। एक नंबर किस स्वरूप से? मैं 20 साल से आज राजनीतिक में हूँ, 20 साल से मेरा जो सेवा है मेरे क्षेत्र के लोग और पूरे प्रखंड या नहीं ये जिला परिषद के ही किशनगंज जिले के विधानसभा का जितने भी लोग हैं मेरे प्रति सबका आस्था है। मैं दलाली नहीं किया हूं, लोगों का सेवा किया हूं ईमानदारी के साथ, इसलिए लोग मुझे उम्मीद है कि लोग हमको वोट देंगे। और अभी मेरा ये है, मेरे सिस्टर भी यहां से उप प्रमुख हैं कोठिया प्रखंड से और मेरे वाइफ अभी जिला परिषद अध्यक्ष के लिए भी हम लोग काफ़ी जद्दोजहद किए, कुछ कारणवशत नहीं हो पाए। इसलिए ज़्यादातर हमको उम्मीद है मेरे कार्य को देखते हुए, लोगों के दिल की बात को सुनते हुए हमें टिकट मिलने की।